हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता आप लोग अच्छे होंगे। चारू बट्टी ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। सो दोस्तों, अभी दोपहर का 3:30 बज रहा है और हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबको पता ही है, चार घूमे के ब्लॉग देखे तो आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि क्या ना क्या हो रहा है आजकल अभी से। और सारे शूट ब्लॉग को तो हम ही करते हैं, उनका वाला भी, अपना वाला भी, एडिट वगैरह सारे कुछ करते अपलोड करते हैं। तो ज़्यादा कुछ ब्लॉग में बताने के लिए था नहीं, लेकिन फिर आज से तिलक है। अभी शादी का इतना एकदम जोरों शोरों से सीजन चल रहा है ना हम लोग तरफ कि मतलब देखिए, जाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक रिलेक्शन के अपना गोतिया होने के नाते। और क्या बोले, बस ज़रूरी हो जाता है। तो ब्लॉग भी बनाने के लिए थोड़ी बहुत हम लोग का टाइमिंग गड़बड़ा रहा है। अभी गांव के सामने फिर आज तिलक है और अभी भी वहां पे सॉन्ग गाया जा रहा है मुँह से, खाना खाने के टाइम में क्या क्या हो रहा है। अभी जस्ट हम सो उठ रहे हैं, वहाँ कल 3 बजे गए थे जहाँ पे लड़की की शादी थी, बहन की शादी थी, वहाँ पे 3 बजे कल गए थे ना। 3 बजे से जो दिन से खाना बनाते बनाते 1-2 बज गया, इतना सारा बनाते बनाते। और 1 बजने के बाद में फिर जब बरातिया लोग आए, उन लोग को खाना पीना खिलाते, हम लोग को एकदम 4 बज गया। पूरे मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम में हो गया, सारे कुछ नेक नियम कराते उराते पूरा सुबह हो गया मॉर्निंग का टाइम। और एकदम इतना अजीब लगने लगा ना, आप सब अभी देख सकते हैं कि हम किस तरह से हो गए। चेहरा भी फूला फूला सा हो गया है, थोड़ा सा उसका सा हो गया है। शादी भी हम इतना ज़्यादा जगना पड़ जाता है ना, और पूरा शरीर जितना काम करते हैं वहाँ पे उतना नहीं टटाता है, लेकिन अभी एकदम हैरेस सा पूरा लग रहा है शरीर, थकावट सी हो रही है और अभी भी हो रही है यहाँ पे। तो चलते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं क्या 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 हुआ है। कल ना इतना काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, इतना काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। और हम लोग का ये पश्चिम साइड पर आता है दरवाज़ा ना, तो इधर से आती है हवा, जब तो इतना ज़्यादा हवा प्रवेश करती है लू को पूरा कि क्या ही बताएं। आम का पेड़ देखिए इधर ही नहीं हो चुका है, आप सब अच्छे से देखिएगा ना गौर करके, तो इसका डाली इस जगह है लेकिन ये इस साइड ही पूरा नहीं हो गया है इतना ज़्यादा। और एकदम गर्मी की वजह से ना ऐसा हालत लगता है ना कि क्या ही बताएं। और जागना ऊपर से एकदम अजीब टाइप से पूरा फील हो रहा है। चारू की दादी और वहीं पे गए हैं, चारों की मम्मी, तभी बर्तन धो रही है। फिलहाल चलते हैं, एकदम गर्मी का मौसम काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं। चारों तरफ सारे कुछ पेड़ पौधे एकदम सूखे सूखे से पड़ गए हैं, लग रहा है कि कोई नहीं है एकदम जान गांव में ऐसा। तभी चलते हैं उधर ही, देखते हैं किधर है चारू, चलते हैं ना। गाना सुना रहा है सुनिए थोड़ा थोड़ा। इधर आ गए हैं, देखिए इस तरीके से व्यवस्था किया है। हम लोग का पुराना घर है ना इस जगह, यहाँ के सामने से इस जगह पेंट लगा हुआ है। और बेटा का शादी है यहाँ पर, बड़े पापा का बेटा, रोड का ये साइड लगा हुआ है। अभी सारे लोग खाना खाने चले गए तो बच्चे लोग ही सिर बैठे हुए हाय कर रहे हैं लोग इधर है। और बाबू देखिए वहाँ पे घूम रहा है अकेले, और शायद पता नहीं चारों लोग अंदर में होंगे, अंदर चलेंगे तो ही दिखाएंगे, लगा देते तरीका। लेकिन इधर से धूप आ रहा है तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा धूप सेक रहा है। सारे लोग बैठे हुए हैं, अभी देख रहे हैं उसका, सारे लोग कल जगे हैं सारे लोग। अभी चलते हैं फिलहाल अंदर, दिखाते हैं अंदर जाके, चारों लोग उधर ही होंगे। चलो चारू यहाँ पे है, चलो निकलो, पूरा खान पीन चल रहा है पूरा। चलो 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 निकलो निकलो, बावर्ची लोग पसीना से तो क्या बताएं, गर्मी के माहौल ऐसा है कि कोई उपाय नहीं। स्पेशल बावर्ची इधर भी है, खा रहे इधर ही अंदर में खाना। बड़ा सांगना वाला घर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ज़्यादा जल्दी चेयर में कोशिश नहीं करते हैं ना, बैठा खिलाते हैं अच्छा से तो वही अच्छा रहता है। क्या महेंद्र, सही बात। आ गए सारे लोग, खाना खा रहे थे और खाना खाने के बीच में ही हम शामिल हुए ना, तो सारे लोग को परोस दिए, मतलब हेल्प कर दिए। हम लोग ऐसे ही करते हैं, आप सबको पता होगा मिस्त्री वगैरह हम लोग नहीं बुलाते हैं बावर्ची वगैरह बनाने के लिए, जो भी होता है मिलजुल के सारे लोग कर लेते हैं। और अच्छा भी रहता है, किसी का 10,000, 8,000, 12,000 अगर बच जाए तो काफ़ी अच्छा है। अभी की इस महंगाई में बेटा शादी करना हो या बेटी शादी करना तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, एक एक पैसा का कीमती है और सोचना भी पड़ जाता है। तो उस हिसाब से हम लोग इस तरह कर लेते हैं मिलजुल के सारे लोग। तो जस्ट उन लोग को खाना वाना खिलाएँ, उसके बाद में अभी हम लोग खाएँ। धुसका था, मटन था, ये सब होता है, सब्जी था, पूड़ी भी था और सारे कुछ था, दाल वगैरह पापड़ वगैरह सारे कुछ था, सलाद वाला सारे कुछ खाए। अभी आ गए हैं और फिर जहाँ पे बेटी विदा के हैं ना, वहाँ जो है चुमावन यानी कि पार्टी बोलते हैं उसका नाम से हम लोग चुमावन, तो वहाँ पे आज अभी चुमावन है तभी वहाँ जाना है। लेकिन अभी देखिए इतना बेरा डूबने वाला है इस प्रकार, तो इतना बेरा डूब जा रहा है और मुझे तो ब्लॉग भी अपलोड करना है। चार गो मेला ब्लॉग एडिट किए सुबह अपलोड कर दिए, जब उधर से आए तो सो गए थे, काफ़ी ज़्यादा एकदम अजीब सा लग रहा है, अभी भी थोड़ा फ्रेश लग रहा है, तो क्या ही करें।
उसके बाद में भी आए तो चारू मम्मी लोग से डिस्कस हो रहा है कि कौन कौन जाएंगे। तो यहाँ पे तो खाना सारे लोग खाएं, चारू मम्मी भी खाई, चारू खाई, चारू दादी भी, बाबू भी खाए, सारे लोग हम लोग यहाँ पे खाना खा लिए। तो फिर डिस्कस हो रहा है कि वहाँ भी जाना है, यानी कि अभी वहाँ पे जाएंगे हम लोग ना, तो कुछ पैसे जितना भी अपना देना है 551, 1051, उतना ज़्यादा भी नहीं तो 251 इस टाइप कर करके, 151 ऐसा कर करके हम लोग पार्टी में डायरेक्ट देते हैं वहाँ पे, जहाँ पे अभी जाएंगे वहाँ पे, जहाँ बेटी की शादी वहाँ पे। यहाँ तो तिलक था लड़का का, यहाँ वो सब नहीं, बस खाना खाएं बस उतने ही। तो वही सब अभी करने वहाँ भी, और भी जाना है तो पूरा डिस्कस किए। तो चार मम्मी बोल रही कभी हम नहीं जाएंगे, बकरी वगैरह बांधना है शाम को, क्योंकि दो पटरू है ना छोटा छोटा, तो उन लोग अभी जो देखिए यहाँ पे एक दौरा है, इस पर नहीं ढकाने खोजता है अभी वो लोग। अगर यहाँ पे ढकेंगे उन लोगों को ना, तो अभी उछल कूद करके किस तरह हो जाता है, इसलिए बकरी हम लोग के यहाँ पे बंधा हुआ रहता है। और अभी ज़्यादा रात भी नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत अंधकार हुआ है। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि जितना हम लोग संग थे ना यहाँ पे खाना खिला रहे थे, वो सारे लोग अभी हम लोग मिल के, लड़के लड़के हैं जितने लोग, मेरा फ्रेंड लोग, वो लोग जाएंगे अभी। तो चारू मम्मी बोल रही है कि हम बाद में जाएंगे, और मम्मी को भी कुछ काम है तो मम्मी पहले ही चली गई। क्या ही बोले आजकल हम लोग का ना, मतलब सबका घर में अगर हम नहीं जाएंगे तो मेरा घर में कौन आएगा, इस टाइप से गोतिया में होता है। तो जाना एकदम अनिवार्य है, ज़रूरी है, तभी हमको जाना पड़ेगा। अभी सारे फ्रेंड लोग खा रहे हैं खाना और हम इधर आए हैं, थोड़ा सोचे कि ब्लॉग बना के आप सभी को बता के अपलोड कर लेंगे, उसके बाद में जाएंगे जस्ट। और उधर नेटवर्क अगर पकड़ता नहीं, आप सभी को पता है, इसीलिए हम कभी कभी एक ही जगह बैठ के ब्लॉग पूरा ख़त्म कर देते हैं, बना देते हैं, जो भी होता है, लेकिन रियल बताते हैं, रियल बातें बताते हैं, जो भी बीतता है वो। और आप सभी को आदत भी है मेरे बारे में जानना, बातें जानना, और क्यों ना, जैसे कोई बोल देता है कि क्या हुआ था, पूछते हैं, तो जानने की क्यूरियसिटी होती है ना, उस तरह से बता देते हैं ब्लॉग में, तो अच्छी बात है। और आदत भी है, एक तो कनेक्टिविटी भी हम लोग के साथ में, डेली बातें कर करके, हाय हेलो करके, तो ब्लॉग बना देते हैं ऐसे ही। और अभी चारू मम्मी नहीं जाएगी, बकरी अंदर करेगी वो, उसके बाद में चारू को लेके वो जाएगी। तो सोच रहे हैं साथ में ही जाए या क्या करें, साथ में जाना अच्छा रहेगा, लेकिन जो 5-6 फ्रेंड हैं ना यहाँ पे खाना खिला रहे थे, उन लोग का कहना है कि चलो साथ में ही। तो क्या करें ना करें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बाय द वे अभी मेरा ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बस इतना ही रहेगा। और इस टाइप होता है ना, एक भी घर में अभी जितना गोतियाँ हैं, किसी घर में खाना नहीं बनेगा हम लोग को। सारे लोग जहाँ पे चुमावन है वहाँ पे खाना खाने जाएंगे, यहाँ पे तिलक थे यहाँ पे खाना खाने जाएंगे। यहाँ तभी खा लिए हम लोग, अभी 6:30 बजने जा रहा है लगभग, और वहाँ पे जाएंगे तभी 10, 11, 12 भी बज सकता है। लेकिन वहाँ पे जगवारी नहीं करेंगे आज, खटाई नहीं करेंगे काम, क्योंकि वहाँ पे करने वाले लोग होंगे और कर भी लिए होंगे। तो बस यही सब बातें हैं। तो जितना बातें थे लगभग सारे कुछ हम बता दिए आप सभी साथ में। तो चलिए अभी का ब्लॉग हम इतने ही रखते हैं, और मिलेंगे कल का ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।